राम राम दोस्तों, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में, नए व्लॉग में। और मैं आ रखा हूँ नैनीताल। और नैनीताल में आने का रीज़न ये था कि 31st मैंने सोचा पहले क्रिसमस मनाऊं, लेकिन क्रिसमस में डिले हो गया था। फिर मैंने सोचा न्यू ईयर मनाऊंगा यहाँ पे। और ये मेरा भांजा, ये तो मेरे को मेरा पार्टनर ये मिला है नैनीताल में। मुझे पूरा नैनीताल का टूर कराया गया। और आज हम जा रहे हैं हिमालय दर्शन के लिए, है बंजे सर। हाँ, हिमालय दर्शन में ऐसी एक जगह है जहाँ अगर आप नाम लेते हो तो चार बार पूछती है। ओ भाई, मैं नाम लूंगा, ठीक है, सबका नाम लूंगा। देख लेना कहीं चिड़ना मत, चिड़ना मत। भाई नाम ऐसा नाम लूंगा कि वापस मेरा ही नाम आए। ऐसा नाम नहीं लूंगा जो सबका नाम वापस आ जाए, मतलब बचपन से अब तक का, ठीक है। तो भाई अब हम हो गए हैं रेडी जाने के लिए। और ये रही हमारी धन्नो। मौसम तो हो रखा है यहाँ पे ख़राब। अब पता नहीं मैं भी कब तक बर्फ पड़ जाए यहाँ पे। बर्फ़ गिरेगी है अभी, बर्फ़ गिरेगी ना, बर्फ़ गिरेगी। तो ये है आपका हिमालय दर्शन है। तो ये है हिमालय दर्शन, और यहाँ से आपको हिमालय दिखता है। इसमें तो नहीं दिख रहा, देखो लास्ट है, सबसे लास्ट वाला वो है हिमालय दर्शन। कुछ टाइम में यहाँ बर्फ़ गिरने वाली है, और बर्फ़ बड़ी ज़बरदस्त गिरेगी। ठंड तो है यहाँ पे, दिल्ली के मुकाबले ज़्यादा ठंड लग रही है भाई। अब बर्फ़ गिरने का इंतजार है। यहाँ पे ये एक्टिविटी भी कराते हैं, जैसे दूरबीन से देखना। अब मैं तो देख लूँगा, आप लोग नहीं देख पाओगे, लेकिन तो बने रहिए ब्लॉग में। अब दिखाते हैं आपको आगे का व्यू, आगे कहाँ चलेंगे। तो भाई अब हिमालय दर्शन करने के बाद हम जा रहे हैं थोड़ी सी आगे को, और क्योंकि यहाँ पे कुछ खास इतना ज़्यादा दिख नहीं रहा, दूरबीन से ही दिख रहा था जो दिख रहा था मंदिर वगैरह आगे के सामने वाले पहाड़ों में, तो यहाँ से कुछ ज़्यादा दिख नहीं रहा था। अब हम जा रहे हैं आगे की तरफ को। यहाँ पे पता क्या है, मतलब धूप नहीं आ रही है इस साइड में, तो ठंड बहुत ज़्यादा लग रही है भाई, ठंडी हवा लग रही है, इसलिए मैंने टोपी पहन ली। पहन के फैशन वैशन गया पहाड़ में, पहले अपनी जान बचाओ भैया। तो दोस्तों हम रुक गए हैं थोड़ी सी रास्ते में और ये हाथ हो गए हैं बर्फ। भाई हाथों का पता नहीं पड़ रहा कैसे कैसे यहां, नहीं है यहाँ किसी बेचारे ने आग जलाई थी। अबे पूरी जला के जाता कोई नहीं, तो होते कम से कम नहीं, आधे आधे लकड़ियाँ छोड़ के गया है। तो हमने अभी इतना डिस्टेंस कवर कर लिया। वहाँ पे है वो येलो कलर का मंदिर, वहाँ से ऐसे 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 यूँ घूम घाम के हम आ गए यहाँ पे, ठीक है। देख लो टाइम लैप पूरा करते ही, टाइम को पता नहीं पड़ता। तो भाई अब हम जा रहे हैं आगे को। तो भाई ये मुझे झूठ बोल के, सुसाइड पॉइंट बोल के पंगोट ले जा रहा है, ठीक है। किलबुरी, किलबुरी में क्या है, ये किलबुरी है, ये तो सुसाइड पॉइंट हुआ। ऊपर का सुसाइड पॉइंट है और नीचे को पंगोट है। पंगोट में क्या है, पंगोट में भी देखने के। तो भाई अब पंगोट जा रहे हैं, फिर उसके बाद अगर टाइम मिला तो सुसाइड पॉइंट घूमने जाएंगे, ठीक है। और यहाँ बीच रास्ते में हम रुके थे, यहाँ पे बता जंगलों के बीचों बीच बना रखी है जगह। भाई टूर का तो फुल मजा आ रहा है यार, फुल एंजॉय हो रहा है। ऐसा भांजा है तो मजे ही नहीं आते, बताओ यार। इतनी बातें करते इतना हंसाता है, और ये कहता कथे जैसे ये वो बकवास करता है, बेइज्जती मार दी कल इसने मेरी। You used to stop this world from spinning. Like Superman, you were the only one to find the strength in all that I was dealing with.
व्यू का तो इधर क्या कहूँ मैं भाई, आप खुद ही देख लो कितना अच्छा व्यू आ रहा है यहाँ पे। और बाकी ठंड से हालत थोड़ी ख़राब है, लेकिन कोई नहीं, कुछ बढ़िया देखना हो तो कुछ सेक्रीफाइस तो करना पड़ता है, तो हम होने के लिए कुछ पाना पड़ता है। यस शाबाश सेनोरिटा, थैंक यू माय मार्गरेटा। तो ये आ गए हम पंगोट। ऐसा पंगोटा है भाई यहाँ पे, मतलब एक्चुअली ऐसा हुआ, हम बहुत आगे तक चले गए थे और हमें पता नहीं था कुछ व्यू वगैरह कहाँ है। जाते के जाते के जंगली जंगल आ रहा, 2 किलोमीटर का डिस्टेंस और था जाने का आगे, लेकिन हम उल्टा आ गए, मतलब हमें पता नहीं था। यहाँ पूछा तो सब बता रहे उसी साइड में घूमने की जगह, ये है पंगोट। ज़्यादा दूर नहीं है, मतलब यहाँ पे आपको रिजॉर्ट वगैरह रुकने के लिए मिल जाएंगे, और रिजॉर्ट हैं यहाँ पे, और यहाँ से आगे फिर आप जा सकते हो उधर घूमने के लिए। हम गए थे बस 2 किलोमीटर और जाते ना आगे तो पहुँच जाते जगह पे, लेकिन नहीं पहुँच पाए, किसी कारणवश हमें रुकना पड़ गया। तो दिखाते हैं आपको आगे कुछ और चीज़ें। तो भाई ये है यहाँ से नैनीताल का व्यू, और अभी हम और जा रहे हैं और टॉप में। हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है, हाथ लाल हो गए अम्मी के। तो यार मतलब जितना लगता है ना कि पहाड़ों का व्यू अच्छा है ये अच्छा है, भाई उतनी ज़्यादा मुश्किल होती है जब आप ऊपर टॉप पे जाते हो। तो और ये है श्री सत्यनारायण का मंदिर, श्री भगवान सत्यनारायण का मंदिर, ये हो भगवान। तो भाई यहाँ तक हम पहुँच गए हैं, पैरों में शक्ति दो जो हम चल सके, हाथों में तो यहाँ पे घर भी है, ये पूरा गांव का और गांव का है। दोस्तों हम फाइनली यहाँ पहुँच गए हैं, और आपको कैसा लगा यहाँ का व्यू? भाई बहुत मेहनत करी है, पहले उल्टी उल्टी जगह भी घूम लिए, यहाँ गए वहाँ गए, लेकिन फाइनली यहाँ आके भाई बहुत सुकून मिल रहा है यार। यहाँ से पूरा नैनीताल का व्यू दिख रहा है आपको, और ऊपर से बादल देखना कितने मस्त लग रहे, इतनी हाइट पे है हम, मन कर रहा है यहाँ से जंपिंग करें, नीचे खाई भी है। और हम आए हैं वहाँ नीचे से, वो दिख रहे हैं अलग से टीन से, वहाँ से ऐसे ऐसे जिग जग करके यहाँ पे क्या कमाल की बात है। तो भाई ये था यहाँ का ब्लॉग, यहाँ पे हाइट में जिस हाइट पे आए हैं हम, इतनी ठंड नहीं है जितनी नीचे है, ताल के साइड में बहुत ज़्यादा ठंड है, और क्राउड इतना हो रखा है यहाँ पे, बहुत ज़्यादा क्राउड है भाई। बाहर से जो आ रहे हैं ना उन्हें चेकिंग वगैरह, कोरोना टेस्ट व ये फलाना ढिमका, मतलब जो कुछ भी है सब फॉर्मेलिटीज़ पूरी करनी पड़ रही है। अब उस पहाड़ पर जाने का मन था लेकिन नहीं जा पा रहे, क्योंकि बहुत देख ही रहे हो आप, बहुत हाइट में है यार वो, अब देखो तो वो बहुत हाइट में है तो हम वहाँ पे जा नहीं पाएंगे। बाकी ये है पूरा नैनीताल का व्यू। वहाँ के रास्ते भी ऐसे हैं ना, मतलब बिल्कुल जिग जैग से कहीं से ऐसा कूदना पड़ रहा है, मतलब रास्ता बहुत डिफिकल्ट है यहाँ का, ये देख रहा हूँ कैसे उससे मैंने रील वगैरह बनवा दी अपनी वीडियो बनवाई है करवो का वो ओ भाई वो नहीं रुकने का, अगर मैं जा रहा हूँ मुझे छोड़, तो मुझे बख्श दे, मैं जा रहा हूँ, मैं तुझे बाइक के पास ही मिलूँगा नीचे।
भाई हम ऊपर घूम के आ गए हैं और अब हम जा रहे हैं इस साइड को, ठीक है। अब मुझे नहीं पता फिर ये जंगल में तो नहीं है पर कहीं में। तो अब हम यहाँ पे रुक गए हैं थोड़ी सी भुट्टा खाने के लिए। और इसके हिम्मे क्या है मार खाएगा तो हिम्मे कुछ प्राइवेसी में लगा है अपने और हम यहाँ पे खाएंगे भुट्टा। हिम्मे पैसे दे आंटी, ये बिना पैसे के जान दोगे आप इसे पैसे दे यार, मैं तो अपने दूंगा भाई। मैंने जो खाया मैं वही तो दूंगा, तू दे अपने वरना यही भुट्टे से ही कहा शाम को आंटी छोड़ देगी घर पे। आंटी छोड़ दोगे ना घर पे? बस ठीक है। तो यहाँ से मैंने ले ली चाय और इसने ले लिया ट्रॉफी का मतलब जूस। मगर मैं चाय नहीं पीता, एक वैसे घर में भी नहीं पीता लेकिन ठंड में तो पीनी चाहिए। तो ये है यहाँ का सुसाइड पॉइंट और लवर पॉइंट कह लो। यहाँ से बहुत ज़्यादा डाउन है यहाँ से भी। अच्छा लग रहा है सामने से सनसेट होता हुआ देखना। यहाँ से हिम्मी अभी आपको स्पाइडरमैन करके दिखाएगा। हिम्मी कूद जा, मुझे भी जाना है अपनी। तो अभी इसके अच्छे दिन चल रहे हैं, जब बुरे दिन चलेंगे जो है। तो यहाँ घूमने के बाद अब हिम्मी कह रहा है तो मैं स्नो व्यू दिखाता हूँ, वहाँ से सनसेट दिखता है। एक लात मारेगा उसी में बराबर। तो ये स्नो व्यू पॉइंट है और यहाँ से पीछे के साइड हिमालय और इस साइड में सनसेट दिखता है। मस्त जगह है यार भाई। क्या दिखता है इसमें भैया? इंडिया की सेकंड हाईएस्ट पीक, 10th हाईएस्ट पीक एवलॉन्स, हनुमान टेंपल, पालमखेत। अच्छा, सारे दिखेगा यहाँ से? सब दिखेगा। तो यहाँ से भैया सब दिखाएंगे इसमें से। ये मैक्टोली पर्वत है जो आपको क्रैक्स देख रहे हो, आप एवलॉन्स के क्रैक्स देख रहे हो, बर्फ के बड़े टूट के गिरते हैं। अच्छा, क्रैक्स हैं सब। तो यार यहाँ से मतलब जो बर्फ के पहाड़ टूटते हैं ना वो चीज दिख रही है यहाँ से, मतलब वहाँ इतना ये लाइन दिखी जो आपको बर्फ के पहाड़ टूट के गिरने के निशान है वो सारे। अच्छा, अभी हो तो यार बहुत बड़ी बढ़िया चीजें दिख रही है सही में इसमें। और जो ये पर्वत दिख रहा है आपको, ये उत्तराखंड का सबसे हाईएस्ट माउंटेन है, इंडिया का सेकंड है एंड वर्ल्ड में इसका रैंक 23rd नाम है, नंदा देवी पर्वत। अच्छा, ये नंदा देवी 25643 फीट, हम लोग 7447 फीट पर खड़े सी लेवल से। अच्छा, डायरेक्ट डिस्टेंस देख रहे हो आप 120 किलोमीटर। क्या है ना, 1983 के आसपास माउंटेन है, माउंटेनिंग बैन हो चुकी है। जैसे नंदा आपका कंचनजंगा बैन है, कैलाश पर्वत बैन है, वैसे नंदा देवी आपका माउंटेनिंग बैन है। अच्छा, यहाँ भी नहीं जा सकते? पूजी जाती है, पूजी जाती है, कैलाश पर्वत पूजा जाता है, कंचनजंगा पूजा जाता है, नंदा देवी पूजी जाती है। यहाँ ट्रैक नहीं कर सकते? ट्रैक नहीं, एवरेस्ट कर सकते लेकिन इसको नहीं कर सकते। अच्छा, तो एवरेस्ट का ट्रैक कर सकते लेकिन त्रिशूल का बेस्ट व्यू दिखाई देगा। वेदनी वैली रुकूं, अभी देखो सारा हिमालय ढक गया पूरा। हाँ, पूरा ढक जाएगा पूरा। तो ये दिन में बढ़िया दिखता होगा, वेट क्लियर है सुबह भैया? जितना सुबह हो गया। अच्छा, सुबह सुबह क्लियर दिखता है। ये नंदा देवी ईस्ट है भैया, दिख रही है एक नुकीली और एक पीछे। हाँ हाँ, हिमालय सा भैया, सारा हिमालय सा। ये कौन सा गाँव दिख रहा है? ये गाँव भैया मुक्तेश्वर का चौक वाला है, जहाँ हरे सेब की पैदावार होती है, अखरोट की होती है, स्ट्रॉबेरी की होती है। अच्छा, स्ट्रॉबेरी की होती है। ये आर्मी बेस है, देख रहा पूरा आर्मी कलर में देखो। आंटी कह रही है हमसे कुर्सी बैठ लो, कुर्सी ले लो यहाँ पे। मैं कह रहा है बैठना ज़्यादा, कुर्सी ले लो भाई, कुर्सी में बैठ के और ज़्यादा ठंडा लग रहा है यहाँ पे। तो अब हम एक कॉफ़ी पीते हैं उसके बाद हम जाते हैं घर को। ये आ गई हमारी गर्मा गर्म कॉफ़ी, इससे पहले हाथ सीख लो। घर में वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब जरूर कर दें। हाँ, सही बात है।